ठीक है, काफी बड़ी खबर है। राहुल गांधी को कन्विक्टेड यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है कोर्ट ने अपने ऑर्डर में। हालांकि इस ऑर्डर में क्या कहा गया है, क्या बेसिस रखे गए हैं, ग्राउंड्स क्या हैं कन्विक्शन के, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये बातें हैं कि राहुल गांधी को डिफर्मेशन का जो मामला उनके खिलाफ पुनीश गांधी ने दर्ज करवाया था, उस मामले में उनको कन्विक्शन हो गया है। अब यहाँ से जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस क्या होगा ये तय करना है अदालत को, क्योंकि जिस तरह के जो धाराएं लगाई गई हैं आईपीसी की 499 और 500 ये डिफर्मेशन केस की है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा का जो प्रावधान होता है वो 2 साल का होता है, और किस तरीके के ग्राउंड्स रखे गए हैं कन्विक्शन के, उनके आधार पर तय होगा सजा कितनी ज्यादा होगी। क्या उनको यहाँ पर कोई सजा होगी, या उनको एक फाइन लगाकर छोड़ दिया जाएगा, या किस तरह का कन्विक्शन यहाँ पर इसके आगे सुनाया जाता है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस थोड़ी देर के बाद चलेगा। जैसा आप कह रहे हैं अंकुर, राहुल गांधी को जो देखिए थोड़ी देर में ये चीज का क्लियर होगी कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस आज ही सुनाया जाएगा या उसके लिए अदालत वक्त लेगी। अदालत ने ऑलरेडी जो ऑर्डर कॉपी अपनी बनाई है उसमें जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए क्या तारीख तय करी है, आज ही होगा, कुछ वक्त की बात और है इस पूरी स्थिति को क्लियर होने में। अभी अदालत ने फिलहाल ये तय किया है कि राहुल गांधी को जो सेक्शंस हैं आईपीसी के 499 और 500 जो डिफर्मेशन के आते हैं उनके तहत कन्विक्टेड अनाउंस कर दिया गया है, और यहां पर अब इसके बाद क्वांटम ऑफ सेंटेंस की बारी आएगी। थोड़ी देर में स्थिति क्लियर होगी। 2 साल की सजा का ज्यादा से ज्यादा प्रावधान इस तरह के जो धाराएं होती हैं उनमें होता है, और अब यहां से तय करना होगा जो जज हैं उनको कि वो सजा किस तरीके से आगे। और बारीक चीजें हैं जो मैं चाहती हूं अंकुर आप दर्शकों को स्पष्ट करें। देखिए अगर आज ही सजा का ऐलान हो जाता है तो क्या फौरन गिरफ्तारी का आदेश दिया जाएगा राहुल गांधी की, या उनके पास जो विकल्प बचे हैं उसके लिए उन्हें थोड़ा समय मिल सकता है? देखिए मैं आपको कोर्ट के प्रोसेस की बात करूं कि यहाँ पे 2 साल की सजा का प्रावधान है, अगर यहाँ पर सजा सुनाई जाती है तो इसके बाद यकीन तौर पर राहुल गांधी के पास थोड़ा सा समय होता है। हमने इससे पहले भी केसेस में देखा हुआ है कि हाई कोर्ट में अपील करने के लिए एक निश्चित अवधि का समय दिया जाता है। अगर उनको क्वांटम ऑफ सेंटेंस यहाँ पर आज में कोई सजा यहाँ पर सुना दी जाती है तो जितना शाम तक का वक्त रहेगा अगर यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील कर उसके ऊपर अगर स्टे ऑर्डर लेके आ सकते हैं राहुल गांधी, जो कि मुझे लगता है कि उनकी एक टीम तैयार होगी इस तरह की से निपटने के लिए, तो यकीन तौर पर एक स्टे यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से आप की अपील यहां पर देख सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर सजा नहीं सुनाकर यहां पर किसी तरह का फाइन या किसी तरह का कोई हिदायत या किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन यहां पर लगा देती है अदालत, तो उसके लिए इतना ज्यादा मूवमेंट की हम यहां पर होते हुए नहीं देख रहे हैं। यहां पर फिर एक फॉर्मेलिटी होगी, उसके बाद राहुल गांधी वापस रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। लेकिन ये सब तय होगा कब, जब ये बात तय हो जाएगी कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस में सजा किस तरह से जो जज हैं वो सुनाते हैं, क्या उनको 2 साल की मैक्सिमम जो सजा का प्रावधान है उसके तहत कुछ वक्त की जेल सुनाते हैं, या उनको फाइन लगाते हैं, या उनपे किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। बिल्कुल अंकुर, मुझे ये भी जानना है आपसे कि जो अंदर दलीलें दी गई, इससे पहले जब आपने बताया था कि राहुल गांधी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि कॉन्टेस्ट अलग था जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, किस तरह के की और दलील रखी गई इस पर विधायक के वकील की तरफ से जो इतना बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया और राहुल गांधी दोषी करार? देखिए लगातार जो है डिफेंस लॉयर की बात करता हूँ, डिफेंस लॉयर ने कई सारे केसेस का रेफरेंस देते हुए अपनी बात को प्रूफ करने की कोशिश करी थी। इससे पहले जितने भी आर्गुमेंट हुए थे, 3 बार राहुल गांधी की इस केस में पेशी हो चुकी है, और लगातार जो डिफेंस लॉयर हैं वो 2-3 बातों पे जो मुख्य तौर पे उनका पॉइंट रहा है आर्गुमेंट का वो ये रहा है। पहली बात तो इस केस को स्टैंड करते हुए ही नहीं देख रहे थे डिफेंस लॉयर, उनके हिसाब से जो पूरा का पूरा मामला है मोदी जो समुदाय है, और खासतौर पर मोदी समुदाय भी नहीं, नरेंद्र मोदी जो है या जो दूसरे लोग हैं नीरव मोदी या ललित मोदी, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई थी। तो जो पुनीश गांधी हैं जो पूर्व मंत्री हैं और मौजूदा विधायक हैं उनका तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर वो इस केस का आर्गुमेंट क्यों किया बनता है? पहला उनका ये था। दूसरा उनका ये कहा था कि पूरे मोदी समुदाय को घसीटने की बात नहीं हो रही थी, ये बात जो कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भगोड़ा है नीरव मोदी, और उसके अलावा आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और चेयरमैन रहे और कई भ्रष्टाचार के आरोपों में इस वक्त देश में मौजूद नहीं है ललित मोदी, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये वाली बात कही गई थी। उनके जो राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की रैली में जो सेंटेंस कहा था उसका